हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयेश। पहले तो आप सबसे मैं सॉरी कहना चाहता हूँ, क्योंकि कितने दिनों से मेरे वीडियोस आ नहीं रहे थे, इसलिए पहले तो आप सबसे मैं सॉरी कहूँगा। और आज मैं ब्लॉग बनाने वाला हूँ मुंबई की चीपेस्ट प्लेस में, मतलब सस्ती जगह पे। आप मुंबई में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं वो मैं मुंबई की गलियों में घूमूंगा और वहाँ की जानकारी भी आपको बताऊँगा, क्या है क्या नहीं। आज गाड़ी ने मूड खराब कर दिया मेरा। थोड़ी रुकावट में खेद हो गई थी। अब मैं हूँ बोरीवली स्टेशन और यहाँ से मैं चर्च गेट की फास्ट लोकल की टिकट लूँगा। टिकट आपको 20 या 30 रुपये में मिल जाएगी। तो अभी चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे और हमें हमारी ट्रेन पकड़ते हैं। टिकट भी मैंने ले ली, ये देखिए, टिकट आपको दिखाना ज़रूरी है। ये मेरी टिकट है, अभी क्या बोलूँ मैं आपको, ये टिकट सस्ते में मुझे मिली नहीं। चलिए चलते अभी। हेलो दोस्तों, अभी मैं आपको अपने दो दोस्त से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। ये दो हैं, हाँ। अभी देखो, वो लोगों ने टिकट नहीं ली है, मैंने टिकट ली है, क्योंकि क्या पता अभी हम चलते हैं 7 नंबर पे। तो दोस्तों, तो हमें जाना था स्टेशन और ये कौन से रोड पे आ गए, क्योंकि मुझे ही खुद को नहीं पता कि किधर जाने का था। ये वेस्ट के जैसे ईस्ट में आ गए। दत्तपाड़ा रोड है, पता स्टेशन किधर का? स्टेशन तो पीछे गया, काटा रोड नंबर 1 रोड है। अच्छा, ये देखो इधर लिखा भी है, मालूम नहीं किधर। तो भाई लोग फॉलो करो, लाइक करो। हेलो दोस्तों, तो मुझे आप लोग बताओ कि ये लोकोमोटिव अभी ट्रेन गए, वो लोकोमोटिव कौन सा था? और ये ट्रेन वीकली एक्सप्रेस है मेरे ख्याल से, क्या नाम है उसमें लिखा नहीं है, स्पेशल एक्सप्रेस है और LHB कोच नहीं, सॉरी ICF कोच के साथ चलती है। तो अभी देखते हैं, अभी प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे अभी है हम लोग और ट्रेन का वेट करते हैं चर्च गेट फास्ट का। तो अभी आपको मिलता हूँ बाद में। दोस्तों, हमें सूत्रों से पता चला है कि ये बीकानेर बांद्रा एक्सप्रेस है, जो स्पेशल एक्सप्रेस है और संडे सैटरडे चलती है। और इस ट्रेन की और पूरी डिटेल मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि अभी ट्रेन तो हमारी आई नहीं और सामने वाले प्लेटफॉर्म में बहुत गर्दी है भाई, अभी क्या करें। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं ट्रेन का, जो खाली ट्रेन मिली फास्ट वाली चर्च गेट की, वो ट्रेन में हम लोग चढ़ जाएंगे। अभी देखिए, ट्रेन तो बहुत, अभी सामने वाले स्टेशन में संडे है, वीकेंड है, फिर भी इतना भीड़, इतनी पब्लिक आती कहाँ से यार, बहुत पब्लिक है यार। और धूप भी बहुत है यार, टेम्परेचर मुंबई का टेम्परेचर आपको पता ही होगा कि टेम्परेचर कितना कड़क है। और स्टेशन का माहौल तो देखो आप लोग, क्या मस्त लग रहा है। तो आपको दिखाता हूँ स्टेशन। तो ये ट्रेन का स्टेशन कितना साफ सुथरा है, अच्छा है। और फिर से मेरे दोस्त ने गलती कर दी, प्लेटफॉर्म नंबर 8 और 9 पे मुझे घुसा दिया। प्लेटफॉर्म नंबर 6-7 वो है, बहुत भीड़ वाला प्लेटफॉर्म है वो। और चलते प्लेटफॉर्म नंबर 7-6 पे और वहाँ से हम लोग ट्रेन पकड़ते, पर यार वहाँ पे तो बहुत भीड़ है। चलो अभी चलते प्लेटफॉर्म नंबर 6-7 पे। दोस्तों, तो अब मैं हूँ चर्च गेट स्टेशन में और मेरे दो दोस्त थे वो घूम ही हो गए, कहा अभी मैं उनको ढूंढना पड़ेगा मेरे को। और हाँ, मैं सो गया था इसलिए मैं आगे के स्टेशन में आ गया, अभी चर्च गेट स्टेशन में आ गया। मुझे उतरना था ग्रांड रोड और मैं चर्च गेट स्टेशन में आ गया। और एक बात और कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, पहले उस वो मैं आप सबको बताता हूँ। मैं जा रहा हूँ भुलेश्वर बाज़ार और आपको प्रसिद्ध सुंदर मंदिर भी दिखाना है, तो मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और वो दो चुतिए लोग को भी मुझे ढूंढना है। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, ये दोनों हमें मिल गए। अभी कहाँ गए थे वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे अंदाज से दोनों लड़के हैं तो लड़कियाँ ही देखने गए रहेंगे। अरे चलो भाई, अब उनको लेट होगा, सनसेट भी दिखाना है। चल, अरे वो ग्राउंड कौन सा है यहाँ? हाँ, IPL वाला ग्राउंड भी है यहाँ। अभी मेरे को नहीं पता, वो वीडियो में लाऊंगा जरूर, मेरे 1K हो जाएंगे तो सब मैं लाऊंगा। बस आप सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए भाई लोग। तो देखिए ना, अभी मुंबई में कैसा नज़ारा है भाई, चर्च गेट मतलब हाई फाई प्लेस और कांदीवली बोरीवली मतलब मिडिल क्लास प्लेस, पता ही होगा आपको मुंबई में रहते हैं तो। बीच में चलते, बीच में देखते क्या है क्या नहीं। देखिए बीच तो आ भी गया। ये दोस्तों, मुंबई की गलियां कैसी है, साफ साफ। और यहाँ और ये लोग भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं। भाई तुम लोग मेरी कॉपी क्यों कर रहे हो यार,
हम कॉफी रहते थे कि तेरे को कॉफी मत करो तुम लोग और ये ज्यादा हो गया। हम अभी चलते रोड क्रॉस करते हैं और थोड़ा निब्बा निब्बी लोग को देखते हैं। अभी तो हम लोग सिंगल है और हम लोग भी कन्या ढूंढेंगे। बराबर क्रॉस करना नहीं तो कोई आपको क्रॉस कर जाए। हाँ बच्ची ये ध्यान से तुम लोग बेंजो क्या बोले तुम लोग सब्सक्राइबर हो मेरे ध्यान से बोल रहा हूँ। लड़कियाँ मत देखो ये रोड बरोड़ बड़बर क्रॉस करो लाइफ में कुछ है नहीं। छोड़ो ये सब जोक सपाट धंधे की बात करता हूँ। ये प्लेस की बात करूँ तो इस प्लेस से सब घूमने आते हैं और मुंबई की एक खास जगह भी हो जाती है और सस्ते टारगेट में भी हो जाती है। आपके ऊपर है लोकल की टिकट लो ना लो पीसी पकड़ेगा वो उसके ऊपर है वो पैसा चार्ज करेगा। तो ये मतलब स्पेस मस्त प्लेस अभी क्या बोलूँ मैं इसको इंग्लिश आता नहीं यार। हाँ प्लेस मस्त है ये क्योंकि हवा आती है ठंडी। देख पहले तो मैं आपके डाउट क्लियर करता हूँ। पहले तो आप यही सोचते रहेंगे ये भुवनेश्वर बाजार जा रहा था तो ये समुंदर में क्यों घूम रहा है समुंदर के पास क्यों घूम रहा है। एक बात बता दूँ ये दो लोगों को मैं ढूंढने आया था तो इधर पहुँच गया मैं। आपको पता रहेगा चर्च के स्टेशन के पास समुंदर कितना नज़दीक है तो ये दोनों वहाँ समुंदर में खड़े थे। अभी क्या बोलूँ मैं देखिए एक बुला क्या आप हमको बुलाने के लिए हम बारह हज़ार लेंगे ठीक है। अरे यार अच्छा गया तो वीडियो कुछ नहीं दूंगा फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा ये वीडियो वायरल भी नहीं होगा क्योंकि इसमें इतना गाली है और ये भाई ग्राउंड में क्रिकेट विकेट चलता रहेगा मेरे ख्याल से। गाड़ी और पुलिस वाले बहुत है यार क्या बता अभी तो अभी यहाँ सनसेट देखते अभी सनसेट तो देखने नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से। मेरा प्लान था तो ये प्लेस को मेरे को बाद में रखने का था पर क्या हुआ ये लोगों की वजह से मुझे पहले आना पड़ा यहाँ। और दूसरी बात ये तो अभी मैं जा रहा हूँ भुवनेश्वर बाजार भी दिखाऊंगा और मुंबई की गलियों में भी घूमूंगा और मस्त है। पैसे है क्या तेरे पास? मैच भी है भाई मैच नहीं है प्रैक्टिस है। अरे मैच माँ की आँख सच में क्या देख लो मेरे व्यूअर्स। हेलो दोस्तों तो मैंने आपके लिए पूछा था कि ग्राउंड में जाने का है कि नहीं तो वो लोगों ने हम लोगों को हिंदुस्तानी भाव का डायलॉग मार दिया निकल पकोड़े पहली फुर्सत में निकल हम लोगों को भगाया और पैसा पानी था नहीं कुछ इसलिए और ग्राउंड में मैच खेलने का देख रहे। दोस्तों मुंबई की खाली खाली गलियां और ये खूबसूरत हवा और क्या क्या मस्त और आपको कुछ और था और ये कुछ अरे भाई रुकना अभी तुम लोग है ना मैंने बोला था को अभी देख सिग्नल विग्नल देख ये तुम लोग मत करना क्योंकि देख ये लोग रोड के बीच में क्रॉस कर रहे हैं गलत बात है ना भाई सिग्नल में क्रॉस करने का ना ये तो कोई गाड़ी वाड़ी उड़ा गई तो तुम लोग कमेंट में बताओ कि ये खुलने में रोड अभी पुलिस समझता है तुम लोग कमेंट में बताओ कि रोड क्रॉस करना चाहिए कि नहीं सिग्नल के बिना क्योंकि ज़ेब्रा क्रॉसिंग रहेगी उधर ही रोड क्रॉस करो ना भाई। सामने जाने ये लोग कितने उतावले हो रहे हैं सामने जाने के लिए कि डायरेक्टली ज़ेब्रा क्रॉसिंग दिखा नहीं सिग्नल दिखा नहीं डायरेक्टली क्रॉस कर दिया। अभी कोई गाड़ी फास्ट फास्ट भाग के हुए आती रहेगी तो कैसा लगेगा और साथ में मेरे को भी भगाया। तो अभी सामने जाते और सामने जाने के बाद आपको मैं मिलता हूँ देखिए नज़ारा तो देखिए वहाँ का कैसा है। हेलो दोस्तों तो अभी हम लोग मरीम से निकल चुके और अभी हम लोग जा रहे हैं भुवनेश्वर बाजार ग्रांड रोड और आपको चर्च गेट स्टेशन के पास मैं मिलता हूँ। वहाँ पे एक मम्मा देवी का सुंदर मंदिर भी है और वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो अभी चलते हैं चर्च गेट स्टेशन। A few minutes later. हेलो दोस्तों तो अब मैं हूँ चर्च गेट स्टेशन में और यहाँ से मैं बोरी वाली गाड़ी पकड़ूँगा और आपको ग्रांड रोड स्टेशन में मिलता हूँ। हेलो दोस्तों मैं अभी हूँ टैक्सी में और ग्रांड रोड स्टेशन के बाहर निकलते ही आपको टैक्सी मिल जाएगी और शेयरिंग भी मिलेगी और वो भी मिलेगी प्राइवेट भी मिलेगी। शेयरिंग कुछ तो अराउंड 20 रुपये रहेगा और तीनों का कुछ तो 70-80 रुपया हो जाएगा। तो आपको यहाँ से भी मिल जाएगी स्टेशन के बाहर ही रहेगी ग्रांड रोड स्टेशन ईस्ट साइड जाना।
तो अभी मुंबई की गलियों में होते होते हम जा रहे हैं अभी मम्मा देवी मंदिर, तो मम्मा देवी मंदिर आता है तभी आप मुझे मिलता हूँ। दोस्तों तो अब मैं हूँ मुंबई की गलियों में और अब मैं मंदिर के पास पहुँचने वाला हूँ। मंदिर की बात करूँ तो मंदिर की स्थापना 1737 में हुई थी और ये मेरे दोस्त लोग हैं। और मंदिर जब विक्टोरिया टर्मिनस बना तभी से मंदिर यही स्थान पर है। पहले यहाँ पर झील थी, अभी पार्क कुछ तो कर दिए। और चलते मंदिर के अंदर आपको वीडियो दिखाने की कोशिश करूँगा अगर कैमरा अलाउड रहेगा तो चले अभी मंदिर के अंदर। हेलो दोस्तों, तो अभी हमारे मंदिर के भी दर्शन अच्छे हुए और मंदिर भी अच्छा था। और इस बात के लिए सॉरी क्योंकि मैं मंदिर का मतलब मूर्ति नहीं दिखा पाया आपको। तो अभी ये दो प्लेस तो हो गई मेरी मुंबई की, और एक आएंगे वीडियो और थोड़े थोड़े वीडियो आएंगे मेरे। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, तो स्टे ट्यून्ड।